மரணாமரணி கட்டாளா இப் மாரே சே भाई एक समय का जिक्र करूं रे एक समय का जिक्र करूं लखी था बन जा रहा 352 सर की उसके सब ते लाम बलारा पैसा लेके वो खर्च करे था मोटा था सहुकारा बालकपन में एक पाल्या कुत्ता जो लगे जानते प्यारा रे बालकपन में पाल्या कुत्ता लगे जानते प्यारा उके माथे टिका गड़ में पट्टा वही माथे टिका गड़ में पट्टा बाती का रंग काला मेरे इन मारे से मेरे लोगी बजारे की नाला हम सतरी रजपूत जात के सच्ची कहानी सन 1902 की बात आपका नजदीकी प्रांत हरियाणा हरियाणा नहीं था यह कभी पंजाब हुआ करता था और यहां ये जो पोलादपुर गांव है यह भी पटियाला रियासत में लगा करता था लाहौर रियासत में लोगों लाहौर का रहने वाला था लाहौर पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में ही था उस समय बंटवारे से पहले ये भगत सिंह भी लाहौर का जिले का हुआ है 1902 में लखी बंजारा नाम का आदमी बहुत पैसे वाला हुआ करता था चेचक की बीमारी आई ऐसी महामारी आई के गांव खाली हो गए सब मर जाते हैं उस गांव में बंजारा बचा वो गिंडक कुत्ता पाला था वो बचा सजनों बंजारे ने सोचा अगर तू भी यहां रुका तू भी मरेगा हरियो कुत्ता भी मर जाएगा सारा धन बर्बाद हो गया कुत्ता बंजारे को लेकर के बंजारा कुत्ते को लेकर के लाहौर तक चल पड़ा उत्तर प्रदेश आगरा नगरी में आ गया बड़े सेठों की नगरी हुआ करती थी एक बहुत बड़ा सेठ था करोड़ीमल साहूकार था कर्जा दिया करता था सेठ कने आके बैठ गया बंजारा हाथ जोड़ के बोलिया के लिख दिया लाहौर शहर ते लाहौर शहर ते बंजारे ने लाहौर शहर ते बंजारे ने अपना टांडा ठाया कई दिन हो गए चलते चलते शहर आगरे में आया भाई ढलती फिरती छाया हो टोटे ने घना सताया लाला जी एक लाला जी पे आके उसने अपना कर्ज कटाया रे लाला जी पे आके उसने अपना कर्ज कटाया बोले सेठ मेरे को कर्जा दे दे लाला जी बोले भाई मेरा नियम है कि मैं गहने दर गिरवी धर रुपये ले जा जेब में आद्य तक कुछ नहीं मिला गिरवी धरन तई कुत्ते कने देख के बोले लाला जी
एक चीज से अनमोल इन्हें गहने धर ले, और टोटे में मरू मेरी दया कर ले। बोला केदर आगा गहने, बोले मेरे कुत्ते ने गिरवी धर ले। भाई कह रहे पिलेगा, बोले लाला जी 20,000 रुपए दे, 1902 के 20,000 अपने मन में सोचो आज के 20 लाख के बराबर बैठेंगे। सेठ बोले रे मामूली सा कुत्ता, इतनी मोटी रकम 20,000 क्यों कर दे दूं। जब कुत्ते को मामूली कहा, बंजारा गुस्से में आकर खड़ा हो गया, बोला सेठ रबिये दे चाहे मत दे, पर मेरे कुत्ते को मामूली ना कहे, हर मेरा टेम बिगड़ गया। जे मेरा टेम बढ़िया होता, बावड़े 20,000 इसको ने देखने के भी को ना लियो, इतना लाडला से। सेठ के मन में भाव जागे, तिजोरी खोली, भाई 20,000 रुपए देके, ओए 20,000 रुपए देके दिया कुत्ता छोड़ रखाड़ा। बुजुर्गो 20,000 रुपए लिए मेरे लाडले भाई नीमराणा थाना से महिपाल जी आए हैं। नहीं बोलूंगा तो जरूर, चाहे रिकॉर्डिंग हो रिकॉर्ड दूंगा। नीमराणा HDFC बैंक से आदरणीय रवि शर्मा जी मैनेजर साहब भी आए हैं, उन्हीं के साथ एक भाई और है। एक बार इन भाइयों के लिए ताली बजा के इनको आशीर्वाद जरूर दे, ये और तरक्की करे, ये पब्लिक का आशीर्वाद है साहब। रागनी सुनिए, और मजा आएगा। 20,000 रुपए का कर्जा लिया बंजारे ने सेठ ते, करार करा 6 महीने में उल्टे दे दूंगा। बताते गए 6 महीने पूरे हो गए, कुत्ता गिरवी रख रखा था। 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां एक साल हो जाता है, बंजारा नहीं आया। इब सेठ कुत्ते ने देखा था सादर रोवे, हसे तो न्यू देख दिन दौड़ी फद्दू बना के 20,000 ले गया, रोवे न्यू फूफा कड़े तो पूर्ति करेगा इतनी मोटी रकम। लेकिन एक साल बाद सेठ के घर में कहानी बन गई। क्या बताया, क्या लिखा, वो कुत्ता खड़ा गाल में, भाई चोरा ने धन लूट लाट के दाब्या एक ताल में। दिन लकड़ा जब पेड़ी पाटी, वो कुत्ता लाया मालने रे। दिन लकड़ा जब पेड़ी पाटी, वो कुत्ता लाया मालने। सेठ के घर में चोर बढ़ गए, तिजोरी तोड़ के सारे धन को निकाल लिया। सेठ सुत्या पड़ा है, लेकिन कुत्ता जाग रहा है। कुत्ते ने देख लिया कि चोरों ने सारा माल निकाल लिया। भोका नहीं, समझदार था, अगर भोक देता। चोरों के पास हथियार थे, सेठ के कुणबे ने भी मारे, कुत्ते ने भी मारे। चुपचाप देखता रहा कुत्ता। चोरों ने क्या करा, सारे धन को निकाल के एक बड़े से भाट्टे में पत्थर में बांध के गांव के बाहर जोड़ में दबा दिया। दिन लिखड़ा, सेठ ने तिजोरी टूटी देखी, माथे में आत्मारा हाय रे बर्बाद हो गया, बैठ कर रोने लगा। सेठ रोता है, कुत्ता कने बैठा बैठा कू 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 करे। सेठ को गुस्सा आ गया, कुत्ते पे अपनी छड़ी उठाई और कुत्ते के छड़ी मारने लगा। रे बेईमान कुत्ते,
थैंक यू बेटा, थैंक यू। तेरे कारण बर्बाद हुआ हूं, अगर रात तू भोक देता तो मैं चोरों को मार मार के भगा देता। कुत्ते का छड़ी मारी, निवला कुत्ते तू बेईमान, तेरा लक्खी बनजारा बेईमान 20,000 लेके गया, आज तक उल्टा नहीं आया। छड़ी लागी तक कुत्ता नहीं रोया लोगो, लेकिन जब बनजारे को बेईमान का कुत्ते की आंखों में परल परल आंसू आ गए। पास में एक आदमी और खड़ा था, कुत्ते की हरकत नोट कर रहा है। कुत्ता के काम करे, सेठ की धोती का पल्लू पकड़ खींचे और सेठ उसका छड़ी मारे। वो समझदार आदमी ने बोले, रहे सेठ ये अनबोलता जीव है, कुछ कहना चाह रहा है, एक बार इसको समझ। सबने ध्यान दिया तो कुत्ते ने सेठ की धोती का पल्लू मुंह में पकड़ के खींच के गांव के बाहर ले गया और जोड़ में बढ़ के सारे धन को, धनबाई सारे धन को लाके सेठ के पैरों में धर दिया। भाई लाला जी तो राजी हो गया, लाला जी तो राजी हो गया, तमड़ी तलक संभाला राजपूत जात के। चूमने लगा, अरे कुत्ते तू तो बहुत काम का है, अरे मैंने तेरे बेमतलब में छड़ी मार दी, अगर तू ना होता तो आज बर्बाद हो गया था। कुत्ते का मुंह चूमता है, लाड़ लड़ाता है, धन्यवाद करता है, रे कुत्ते तेरा बड़ा बड़ा धन्यवाद, तेरे मालिक लक्खी बनजारे का धन्यवाद। लोगों जब दोबारा बनजारे का नाम लिया, कुत्ते को फिर अपने मालिक की याद आ गई, कुत्ते की आंखों में फिर पल पल आंसू आ गए। वो समझदार आदमी ने बोले, रहे सेठ तने एक बात नोट करिए, जब जब तू बनजारे का नाम लेता है तब तक कुत्ता रोने लगता है, अगर आज ये ना होता तू बर्बाद हो गया था। अरे कि मैं पुन का काम कर ले, एक काम कर, इस कुत्ते को इसके मालिक के पास भेज दे। ढिंडोरा पिटवा दिया, लक्खी बनजारा जहां हो अपना कुत्ता ले जाए। एक महीना हो गया बनजारा नहीं आया, सेठ ने सोची रहे बेचारे के पीछे नहीं बने होंगे, डर की मारी नहीं आया। अब सेठ को किसी ने बताया कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, बोले ना छोड़ दे आपे ढूंढ लेगा अपने मालिक ने। सेठ ने एक चिट्ठी लिखी कि लक्खी बनजारे जो तुम मेरे तक 20,000 लेके गया मेरे आए हो गए, और ले यो कुत्ता मैं तने फ्री में दू हूं, तने और चाहिए तो और ले लेना। कुत्ते को देने का मन तो नहीं है, लेकिन इसका मोह तेरे में है, तेरा मोह इसमें है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हुए तेरा कुत्ता तुझे सौंपता हूं। ये चिट्ठी लिख करके कुत्ते के गले में बांधी, कुत्ता रवाना कर दिया। 5-7 दिन तक आगरा नगरी में घूमया, नहीं मिला बनजारा। हार थक के कुत्ता आगरा से दिल्ली रोड पर चलिया, 2-3 गांव छोड़ के एक गांव पड़ता मरोली, उस गांव में कुत्ता बड़ा। अपने मालिक की गंध आई, ढूंढता 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 कुत्ता लक्खी बनजारे के पास पहुंच जाता है। जब लक्खी बनजारे की शक्ल देखी, कुत्ते की छाती भराई, रहा 352 सरकी का मालिक लक्खी बनजारा आज बेचारा मेहनत मजदूरी कर रहा है, चिनाई का काम करता है। कुत्ते की छाती भराई, ऊपर को मुंह करके हुक लगाई और उधर बनजारे ने देखा, रही तो तेरा ही कुत्ता है। कुत्ते को गाड़ी बकने लगा, रे बेईमान कुत्ते तने मेरी रेह रे माटी करवा दी, अरे मैं एक एक रुपया जोड़ रहा हूं कि तेरे को छुटा के लाऊंगा और तू बाज का गया। इतना गुस्सा आया, देसी कट्टा रखता था अपना कट्टा लिखाड़ा, बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते गोली मार दी लोगों, कुत्ता वही मर गया। के कहानी बनी, कोस गए फिर उठे मिलिया बनजारा। भाई बनजारे नहीं जान के कुत्ता जीत मारा, गल में बंदी
बात फिर पूछता एक गोली लागते कुत्ता मर जाता है। हिंदू धर्म में एक परंपरा है, मरे हुए जीव को मिट्टी दो या अग्नि दो। बंजारे ने गड्ढा खोदा, गड्ढे में कुत्ते को डाला और जब ऊपर मट्टी गिरने लगा मेहरबानो, गले में वो कागज दिखाई दिया, मिट्टी हटा के चिट्ठी पड़ी। इतना रोया इतना रोया, उस दिन कहावत बनी, रे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और फिर पछताए के हो जा चिड़िया चुगी। लोगों सोच समझ कर जो काम करेगा वो कभी नीचा नहीं देखेगा, और बिना विचारे जो करेगा न्योर होगा जो कर कुत्ता मार। भाई चिट्ठी पढ़ के रोवण लगा, चिट्ठी पढ़ के रोवण लगा, लक्ष्मी चंद जाटिया।